हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लेयर क्या होता है और इस पर काम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, तो ये लेयर जैसे होता है, यहाँ पर डोर, विंडो और वॉल दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ये सारा जो प्लान बना हुआ है ये लेयर में बना हुआ है। तो लेयर का यूज हम वहीं कर सकते हैं, जैसे हमको फर्नीचर हटाना है इस प्लान में से, तो एक लेयर पर हम यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको लेयर में जाकर मैं दिखा दूं, तो यहाँ पर फर्नीचर का लेयर है, ठीक है। और यहाँ से मैं फर्नीचर को ऑफ़ करता हूँ, तो देख सकते हैं एक क्लिक पे मेरे प्लान में जितना भी फर्नीचर है वो हट चुका है। तो यही लेयर का यूज होता है। जैसे हमको डोर है, इस डोर को, इस ये जो डोर बना हुआ है एक लेयर में बना हुआ है, तो इस लेयर को मैं, डोर वाले लेयर को मैं ऑफ़ कर दूंगा, तो जितने भी डोर बना हुआ है प्लान में वो हट जाएगा। तो मैं लेयर में जाता हूं और यहां पे डोर जो दिया हुआ है लेयर, यहां पर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूं। तो देख सकते हैं एक क्लिक पे मैं अपने प्लान में से डोर जितने भी है उसको हटा सकता हूं। और इसी तरह जितने भी प्लान में डोर, विंडो और फर्नीचर बना है, ठीक है, तो उसको आप हटाना चाह रहे हैं अपने प्लान में से, तो यहाँ से लेयर में जाकर आप यहाँ से हटा भी सकते हैं और यहाँ से ला भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर लेयर का यूज होता है। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ज़ीरो बताएगा, तो यहाँ पर ज़ीरो बता रहा है, मतलब ये ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट रहता है, तो ये डिफ़ॉल्ट में ये ज़ीरो बताता है। तो यहाँ पर आपको न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ से आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो लेयर बनाना है। तो यहाँ पर डोर, विंडो और डायमेंशन जो भी बनाना है, तो यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ से आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में भी जाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की लेना है, तो शॉर्टकट की भी मैं बता दूँ, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे LA और यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो ये लेयर का प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लेयर को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यू लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका न्यू लेयर आ जाएगा। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी न्यू लेयर दिया है, यहाँ से भी क्लिक करके आप न्यू लेयर बना सकते हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर डिलीट लेयर करके ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर जो लेयर आपको डिलीट करना है तो इस ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे आपका सेट करंट है, तो आपको जिस लेयर पे आपको काम करना है तो यहाँ पर आप सेट कर देंगे तो वो लेयर आपका सेट हो जाएगा। तो न्यू लेयर बनाने के लिए आप यहाँ पर फर्स्ट वाले न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर न्यू लेयर का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है लेयर वन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेयर नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको नेम डाल लेना है लेयर का, तो यहाँ पर मैं लेयर वन कर देता हूँ, वन पॉइंट यहाँ पर नेम डाल लूँगा वॉल, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं कलर लेना है, तो कलर यहाँ से ले सकते हैं वॉल का, यहाँ पर जैसे मुझे वॉल का कलर लेना है और यहाँ पर इसको चूज़ करके ओके कर देंगे, ठीक है। ये वॉल का कलर मैं ले लिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन, यहाँ पे आप लेयर को लॉक करना चाह रहे हैं तो लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपका ये जो लेयर वॉल का रहेगा वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आगे मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यू है लाइन टाइप में, तो यहाँ से आप कंटिन्यू यहाँ पर रखेंगे। और लाइन विड्थ है, जैसे आपको लाइन का विड्थ बढ़ाना है, प्रिंट में छोटा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइन विड्थ यहाँ पर थोड़ा सा मोटा करना है, तो यहाँ से आप इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ और यहाँ पर ओके करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है इसको ऑफ़ कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर पे दिया प्रिंट करेंगे तो ये जो लेयर है ये ऑफ आएगा, इसको ऑन ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा लेयर बनाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू लेयर पे, तो यहाँ पर दूसरा लेयर आ जाएगा। अब यहाँ से दूसरे लेयर पे नाम दे देंगे, टू पॉइंट, जैसे हमको दूसरा लेयर बनाना है विंडो का, तो यहाँ पर मैं विंडो ले रहा हूँ। अब यहाँ से आपको विंडो का कलर चूज़ करना है, तो यहाँ पर कलर में जाएंगे और यहाँ पर कलर को चूज़ करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और यहाँ से आपको ये जो आपका लाइन विड्थ है
ये विंडो का कितना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं, तो मैं इसको 0 पे ही रखता हूँ या मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से दूसरा लेयर, यहाँ पर जो जो लेयर बनाना है आप यहाँ से क्लिक करेंगे और लेयर बनाएंगे। तो मैं इस पे तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ डोर, और डोर का कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ से ओके कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा ले लेता हूँ, जैसे मुझे लेना है फर्नीचर, ये हो जाएगा चौथा नंबर। और फर्नीचर का कलर जो यहाँ से लेना है आपको, यहाँ से फर्नीचर का कलर ले लेंगे और यहाँ से तो कलर लेके ओके करा देंगे, ठीक है। इसी तरह जितना भी आपको लेयर बनाना है यहाँ से आप लेयर बना लेंगे। इसे यहाँ पर बनाना है कॉलम का लेयर बनाना है, कॉलम को बना लेंगे, कॉलम का कलर ले लेते हैं, ओके कर देंगे। इसका लाइन विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ से इसको बढ़ा देंगे, ओके करा देंगे। इसी तरह जितना भी आपको लेयर बनाना है, 10, 12, 20, जितना भी आपको लेयर बनाना है और फास्ट काम करना है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली और अपने वर्क को फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेयर पे जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी लेयर में बनाया हो यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ से आप आसानी से आप लेयर को सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वॉल बनाना है, तो यहाँ पर मैं वॉल वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज़ में भी यहाँ पर सेम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ क्लिक करते हुए, यहाँ से 13 फिट नीचे की डायरेक्शन में, 16 फिट ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, F8, और यहाँ से 16 फिट कर लेता हूँ लाइन 13 फिट, यहाँ पर C इंटर कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ से वॉल बनाना है तो यहाँ पर मैं ऑफसेट लूँगा, O इंटर कर दूंगा, और यहाँ पर डिस्टेंस ले लूँगा 9 इंचेस या 4.6 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 9 इंचेस का डिस्टेंस लूँगा और इसको ऑफसेट कर दूंगा बाहर की साइड में। अब यहाँ पर फ्लेट में यूज करूँगा, F इंटर कर दूंगा और यहाँ पर इस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर इसको फ्लेट कर लूँगा लाइन को, इस तरह यहाँ पर फ्लेट कर लेते हैं, यहाँ पर डोर बनाने के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कमांड लेकर इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस लाइन को। इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन एक्सटेंड होगा उसी कलर में, क्योंकि मेरा लेयर उसी में बना है। तो यहाँ पर डोर बनाने के लिए अलग से एक लाइन लेंगे तब ये डोर का लाइन शो होगा। तो यहाँ से मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 3 इंचेस का, और यहाँ पर एक सर्कल लूँगा 3 फीट 6 इंचेस। देख सकते हैं ये डोर का जो लेयर है, ये मेरा जो लेयर का कलर है ये अब यहाँ पर शो कर रहा है डोर का, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि ये लेयर जो है पहले से ये वॉल का सेट था, इसलिए यहाँ पर ऑफसेट किया हूँ, ये आपका लेयर वॉल वाला लेयर शो होगा। और अलग से जो लाइन है सर्कल लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो लेयर सेलेक्ट रहेगा वो बनेगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिम कमांड यूज करते हुए इसको ट्रिम कर दूंगा, और यहाँ से एक लाइन लूँगा, ठीक है, और यहाँ से फ्लेट कर देता हूँ और यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ, इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर मैच कमांड यूज करते हुए इसको इस कलर में फिल कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये डोर बन गया है। अब यहाँ पर मुझे विंडो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर विंडो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन लूँगा मिड पॉइंट से,
तो विंडो बनाने के लिए यहाँ से विंडो लेयर पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेयर में जाकर विंडो वाले लेयर को सेट कर लेता हूँ और यहाँ से विंडो क्रिएट करता हूँ। तो देख सकते हैं विंडो वाले लेयर का कलर आ जा रहा है। अब यहाँ पर मुझे विंडोस बनाना है, तो मैं 4 फीट का एक विंडो बना लेता हूँ, दोनों फीट दो दो फीट का ऑफसेट करके ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से इसको ट्रिम कर लेते हैं। अब इस बीच वाली लाइन को डिलीट कर लेना है और रेक्टेंगल लेना है, REC इंटर करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करना है, लाइन पे मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे लाना है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप विंडो भी बना देंगे। और ऑफसेट ले लेना है 1.3 इंचेस का और दोनों तरफ यहाँ पर ऑफसेट कर देंगे, तो जो बीच में डिस्टेंस रहेगा ये 2.5 इंच का ये बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पर छज्जा बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर छज्जा भी बना सकते हैं। तो छज्जे वाले लेयर पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एक लाइन लेना पड़ेगा 6 इंचेस और इस साइड जाएंगे 1 फीट 6 इंचेस, यहाँ पर आ जाएंगे और इस वाले लाइन को दोनों को सेलेक्ट करना है और मिरर करा देना है मिड पॉइंट से। ठीक है, और लाइन लेना है यहाँ से, इसको मिला देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं छज्जा वाला जो लाइन दिख रहा है इसको डॉट डॉट दिखाना है। तो डॉट डॉट दिखाने के लिए यहाँ पर लेयर को जब बना रहे हैं उसी वक्त आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसको डॉट डॉट दिखाने के लिए यहाँ पे लाइन के विड्थ में जाएंगे। अब इस लेयर जो दो विंडो का ये छज्जा वाला जो लेयर है यहाँ पे इसको डॉट डॉट दिखाना है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके बाय लेयर के ऑप्शन में जाना पड़ेगा और अदर में जाना पड़ेगा और लोड के ऑप्शन में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो हिडन करके ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हिडन दिया हुआ है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके कर लेना है, यहाँ पर भी ओके कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जिस ऑब्जेक्ट को हिडन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बाय लेयर के ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हिडन दिया हुआ है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं पर ये जो लेयर का ये हिडन हो चुका है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर आप छज्जे को भी हिडन भी कर सकते हैं और हमको यहाँ पर भी विंडो बनाना है तो यहाँ पर भी बना लेंगे। तो विंडो वाले लेयर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरह यहाँ पर विंडो बना लेंगे 2.5 फीट का। ठीक है, तो दोनों फीट दोनों तरफ बनाना है तो दोनों तरफ की हम आधा कर देंगे, तो 2.5 फीट यहाँ से दोनों तरफ करेंगे तो 5 फीट का एक विंडो यहाँ पर बन जाएगा। रेक्टेंगल लेना है, REC इंटर करना है, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला देना है। ठीक है, REC टाइप करेंगे और यहाँ से कॉर्नर को मिला देंगे। अब इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एक लाइन लेना है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक का, ऑफसेट का मान लेंगे 1.3 इंचेस का क्योंकि हमको 2.5 इंच का बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर सेम यहाँ से हम छज्जा वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे छज्जा बनाने के लिए और लाइन यहाँ से बनाएंगे 6 इंचेस का डिस्टेंस लेंगे और बाहर की तरफ यहाँ पे जाएंगे 1 फिट 6 इंचेस और यहाँ से मिरर कमांड को यूज करेंगे MI टाइप करके, यहाँ से मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे और बाहर की साइड में क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से दोबारा यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे लाइन जो है ये हिडन नहीं है तो यहाँ पर मैच कमांड को यूज करके कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह, और ये छज्जे वाले लाइन को आपको बदलना है तो यहाँ से आप बदल सकते हैं, ओके करा देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये छज्जा वाला लाइन बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर लेयर पे आप काम कर सकते हैं और आपको हैच करना है वॉल पे हैच करना है तो यहाँ पर मैं हैच करके दिखा दूँ। तो आपको हैच करने के लिए यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर जो लेयर आपको काम करना है यहाँ पर बना लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं हैच का भी लेयर बनाया हूँ, तो यहाँ पर सब हैच करने के लिए यहाँ पर लेयर को सेलेक्ट करना है
और यहाँ से मैं हैश लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हैश यूज करता हूँ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसका जो हमको हैश यूज करना है, यहाँ से हैश यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर मैं हैच भी यूज कर सकता हूँ। और यहाँ से आपको फर्नीचर लेना है, फर्नीचर भी बनाना है, तो यहाँ पर आप फर्नीचर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस टू करता हूँ और यहाँ से फर्नीचर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बेड वाले ब्लॉक में जाता हूँ और यहाँ से बेड पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले यहाँ पर लेयर को सेलेक्ट कर लेना है, जो फर्नीचर वाला लेयर है। अब यहाँ पे ब्लॉक में जाना है और जो आपको बेड चाहिए यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इस ब्लॉक को लेकर उठाकर आता हूँ, ठीक है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो बेड है ये बहुत ही छोटा है। अब इसको यहाँ पर मैं स्केल कर देता हूँ, SE, यहाँ पर स्केल करने के लिए SC इंटर करेंगे, शॉर्टकट की होता है, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, इंटर करना है, और कहीं भी कॉर्नर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ड्रैग करना है, तो जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और करना है तो यहाँ पर SC टाइप करेंगे, इंटर करा देंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, कॉर्नर पर कहीं क्लिक कर देंगे और इसको देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा ही, ठीक है। तो यहाँ पर मूव कमांड को यूज करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मूव करेंगे, यहाँ पर इसको सेट करेंगे, ये देखेंगे बहुत ही बड़ा हो गया है। तो यहाँ से इसको छोटा करना है तो छोटा भी करने के लिए स्केल करेंगे, SC इंटर करेंगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। अब कहीं भी कॉर्नर पे क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दोबारा टाइप करना है R और इंटर कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते हुए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जितना आपको छोटा बड़ा करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह, इस तरह यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, फर्नीचर को भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन भी दिखाना है तो यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन पे, जैसे मैं बताया हूँ, डायमेंशन वाले लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और जो लेयर पे आपको काम करना है उसको पहले सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है, तभी आपका लेयर यूज होगा, तो लेयर आपका तभी शो होगा। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन को शो कर देता हूँ लाइनर कमांड से, यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर देंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यहाँ पर डायमेंशन को शो कर देंगे कुछ इस तरह, यहाँ पर इसको शो कर देंगे, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर डोर विंडो हमारा बन चुका है, छज्जा भी बन चुका है, ठीक है। और कॉलम बनाना है तो कॉलम भी बना सकते हैं, और आपको जैसे फर्नीचर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर टर्न ए लेयर करके ऑप्शन दिया है, ये ऑन ऑफ करके पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डायमेंशन नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से पूछेगा टर्न द करेंट लेयर ऑफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है ऑफ़ करने के लिए, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो जो डायमेंशन का यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे हट जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर आप क्लिक करके ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको डायमेंशन शो करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन शो हो जाएगा। इस तरह आपको डोर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डोर हट जाएगा, ठीक है। और विंडो नहीं चाहिए तो यहाँ से विंडो भी हटा सकते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप लेयर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। Fucking round off the grind, no. I ain't tryna tell you what to do. We're tryna play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks